प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गिफ्ट सामग्री के अंतर्गत कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय पर कार्य करते हैं। इसके पूर्व के पाठों का अध्ययन हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पाठ विलय अविलय पारदर्शी पारभाषी एवं अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अन्य विषयों के सालोशन वीडियो की आवश्यकता होगी जो ब्रिज कोर्स से संबंधित आपके पाठ हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। समस्त पाठों का हल, समस्त विषयों का हल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। अब हम देखते हैं, अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। हमारे चारों ओर की वस्तुएँ अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के भिन्न भिन्न गुण होते हैं। जल की विलयता के आधार पर पदार्थों के दो प्रकार में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। विलय, कुछ पदार्थ जल में घुलने पर पूर्णतः लुप्त या विलीन हो जाते हैं। उन पदार्थों को जल में विलय कहा जाता है। जैसे चीनी, शक्कर को डालें या सिरका को डाल दें, नींबू का रस, तो ये जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। अविलय, कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। इन पदार्थों को जल में अविलय कहते हैं। जैसे केरोसिन हो गया, बालू हो गई, सरसों का तेल, जल में विलय अविलय है। अब देखते हैं, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को तीन प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषी। तो पारदर्शी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी, जैसे कांच, जल, वायु और कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयां, अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। दूसरा आता है अपारदर्शी, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता, उनको इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी, गत्ता व धातुएँ अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। तीसरा आता है पारभाषी, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं दे सकते, जैसे तेल लगा हुआ कागज। अब हम बच्चों वर्कशीट पे कार्य करते हैं। वीडियो अगर स्पीड में लगेगी तो वीडियो को रोककर आप इनके उत्तरों को लिख लीजिए। पहला है, जल में विलयता के आधार पर पदार्थों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, विलय और अविलय। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, टॉफ़ी इत्यादि वस्तुओं को किस प्रकार के पात्रों में रखना पसंद करते हैं। तो पारदर्शी पात्रों में रखना पसंद करते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा। जल में विलय पदार्थों के नाम, तो पारदर्शी में चीनी, सिरका और नींबू का रस हो जाएगा। अपारदर्शी में केरोसिन और बालू और सरसों का तेल हो जाएगा। चौथा प्रश्न आता है, पारदर्शी व अपारदर्शी पदार्थों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो पारदर्शी में आ जाएगा कांच, जल और वायु, अपारदर्शी में आ जाएगा लकड़ी का गत्ता और धातुएं। अब देखते हैं पारभाषी पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो पारभाषी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, उसे पारभाषी कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। बच्चों अब हम स्व आकलन के अंतर्गत वर्कशीट को देखते हैं। सत्य एवं असत्य बताना है। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। असत्य, चीनी जल में विलय है। सत्य, लकड़ी पारभाषी होती है। असत्य, बालू जल में मिश्रित है। असत्य। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। नमक, चीनी, नमक, रेत सहित। तो इसमें जो मेल नहीं खाएगा वो रेत है। लकड़ी, गत्ता, लोहा, कांच, तो इसमें आ जाएगा कांच। अब देखते हैं, तेल लगे चिकने कांच को पारभाषी क्यों कहते हैं। क्योंकि इसे स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, इसलिए उसे पारभाषी कहते हैं। अब है, आपकी हथेली पारदर्शी या अपारदर्शी, तो ये अपारदर्शी है। आपके घर में उपलब्ध ऐसी वस्तुओं की सूची बनाई जो पारदर्शी हैं तथा जो अपारदर्शी। तो पारदर्शी में कांच, वायु, प्लास्टिक आ जाएगा, कुछ प्लास्टिक हैं। अपारदर्शी में पत्थर, लकड़ी, गत्ता, धातुएं आदि आ सकता है। आशा है आपने इन प्रश्नों के उत्तरों को लिख लिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम फिर मिलेंगे अगले पाठ में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।